सुशांत की आत्महत्या से बिहार के लोग काफी आक्रोशित हैं। सुशांत की आत्महत्या के पीछे मुंबई फिल्म के बड़े कलाकार और निर्माता निर्देशक को मानते हैं। बिहार के लोग लगातार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध जारी है। आज भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अनिशाबाद गोलंबर पर निर्माता महेश भट्ट, करण जौहर, अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री आलिया भट्ट का पुतला फूंका और सुशांत के लिए न्याय की मांग की। मंडल के कार्यकर्ता ये संकल्प लेते हैं कि खासकर बिहार में सलमान, शाहरुख, आलिया भट्ट जैसे कलाकारों का कोई भी मूवी अगर हॉल में रहेगा तो उसको इसी तरह जैसे आज आप भीड़ देख रहे हैं, यही भीड़ जाकर के उस हॉल पे तोड़ फोड़ करेगा और उस सिनेमा का बहिष्कार करेगा और पूरे भारत वर्ष के युवाओं से अपील करेंगे कि इसका वो बहिष्कार करे। मेरा नाम राजू बाबा हुआ, मैं जयंत मंडल के उपाध्यक्ष राजू बाबा, आज का हमारा यही कार्यक्रम का था, पहुंच चुके थे, वो विकासशील लड़का था, उससे घबरा कर ये अंडरवर्ल्ड सरगना सलमान, शाहरुख, नीतीश, ये क्या बोलते हैं, आलिया भट्ट, ये सब अंडरवर्ल्ड से संपर्क में है और फिल्म इंडस्ट्रीज में किसी भी आदमी का, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी नया युवक को वहाँ वो जबने नहीं देता है। तो हम लोग आज इस भाई साहब महत्या जो दोनों हुआ है, जिसका मन करंत ग्रहणी इस देश में फैलाया गया है कि उनकी उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, ऐसा नहीं है। हम लोग आज जो यहाँ उपस्थित हुए जयंत मंडल के कार्यकर्तागण, वो आज ये 5 तारीख को इस अनिशाबाद गोलंबर पे जो आज हम पुतला दहन कर रहे हैं, वो एक हमारा आक्रोश है, मन के अंदर का उद्गार है। हम चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जिनकी हत्या या आत्महत्या हुआ, इसका निष्पक्ष जांच केंद्र सरकार, बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार करे, सीबीआई द्वारा जांच करवाएं और जो भी तथ्य है उसको क्लियर करें। एक बात दूसरा है कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, बहुत सारे करण जौहर, आलिया भट्ट, महेश भट्ट इत्यादि, ये लोग पुश्त दर पुश्त से महाराष्ट्र में, बॉलीवुड में अपना कब्जा जमाए हुए हैं और अपने कब्जा के बल पर पूरे प्रांत से, बिहार प्रांत से नहीं, पूरे देश से जो भी युवा गरीब कलाकार वहां संघर्ष करने के लिए जाते हैं उनको वो लोग टॉर्चर करता है। हमारा सुशांत सिंह राजपूत उन्हीं में से एक था, वो बॉम्बे जा करके स्ट्रगल करके आज अपने शांत रहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।